बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं हूं शमा असलम, आपके फेवरेट ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आज डिस्कस करने लगी हूं पहला इरेक्टिक रीजन। ये एक जियोग्राफिकल रीजन है, ये सबसे लार्जेस्ट जो है ना जू जियोग्राफिकल रीजन है। ये क्या है? लार्जेस्ट लार्जेस्ट जू जियो ग्राफिकल रीजन। अब इसका हम लोग जो है ना वो हद देखते हैं, इसकी एक्सटेंशन देखते हैं कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, एक्सटेंट कितना किया हुआ है। इसके अंदर सारे का सारा यूरोप इंक्लूड है, होल ऑफ यूरोप, होल ऑफ यूरोप, अफ्रीका, अफ्रीका का नॉर्दर्न पार्ट, कौन सा पार्ट? नॉर्दर्न पार्ट। इसके साथ साथ जी चाइना, चाइना का भी जो है ना वो नॉर्दर्न पार्ट जो है ना वो इंक्लूडेड है, एज वेल एज USSR इंक्लूडेड है, जापान है, ईरान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंस में इंक्लूडेड है, बलूचिस्तान। ये सारे के सारे जो है ना इलाके के ऊपर कौन इंक्लूडेड है? पैलारेक्टिक रीजन शामिल है। अब हम लोग इसके फिजिकल फीचर्स और क्लाइमेट के ऊपर बात करते हैं। फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट। अब आप लोग इस डायग्राम की तरफ फोकस कीजिएगा, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर ये हमारे पास क्या है जी, एक पैलारेक्टिक रीजन है जी, पैलारेक्टिक रीजन, और इसके साथ यहाँ पे नीरेटिक रीजन है, नीरेटिक रीजन, और ये सारा का सारा ओशनिक रीजन है, ये न्यू ट्रॉपिकल रीजन है, ये यूरोप है, ठीक है, ओरिएंटल रीजन आ जाता है, और ये ऑस्ट्रेलियन रीजन है, ऑस्ट्रेलियन रीजन, और ये ओरिएंटल, ये इथोपियन, और ये है न्यू ट्रॉपिकल रीजन। क्लियर है? ये बेसिकली जो है ना ये जू जियोग्राफिकल जो रीजन्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अब अगर हम लोग पैलारेक्टिक रीजन की बात करें ना, अगर ये हमारे पास है जी पैलारेक्टिक रीजन, तो इसमें जो है ना इसकी जो है ईस्ट साइड ये है, और ये हमारे पास है जी इसकी नॉर्थ साइड, एज वेल एज हेयर इज दी वेस्ट साइड, और ये है हमारे पास साउथ साइड। अब ये जो तीनों साइड्स है ना, ये तीनों की तरफ जो पैलारेक्टिक रीजन है ना उस वो सी के साथ बाउंडेड है। पैलारेक्टिक रीजन इज बाउंडेड बाय सी टू द वेस्ट, नॉर्थ एंड ईस्ट। जबकि अगर हम लोग साउथ की बात करें ना, तो इसका जो कनेक्शन है वो सहारा और हिमालयाज के साथ है। किसके साथ इसका कनेक्शन है? सहारा, ये डेजर्ट है, सहारा और हिमालयाज। ये जो पैलारेक्टिक है ना, ये इसका मुसलसल जो है ना लैंड कनेक्शन है इसके दो नेबर्स के साथ। इसका क्या है? अपने दो नेबर के साथ जो है ना वो लैंड कनेक्शन है, उनका नाम है इथोपियन रीजन एज वेल एज दी ओरिएंटल रीजन, ठीक है। अब
ये एक साइड से सेपरेट हुआ है डेजर्ट के साथ, ठीक है, जबकि दूसरी साइड से हमालयास के साथ जो है ना इसकी सेपरेशन हुई है, इसके साथ सेपरेशन हुई है हमालयास के साथ। अब सहारा डेजर्ट से ये सेपरेट होके कहाँ से हुआ है, इथोपियन रीजन, इथोपियन रीजन और पैलारेक्टिक रीजन के दरमियान जो एक प्लेस है वो कौन सी है, वो सहारा डेजर्ट है, ठीक है, और पैलारेक्टिक और ओरिएंटल रीजन के दरमियान जो स्पेस है वो हिमालयास की है। इसकी सेपरेशन किससे हुई है, ओरिएंटल और पैलारेक्टिक रीजन के दरमियान सेपरेशन किस चीज़ से हुई है, हिमालयास के साथ। क्लियर है ये चीज़। और इनकी जो एक साइड है ना पैलारेक्टिक रीजन की, वहाँ पे सेपरेशन डेजर्ट से हुई है, जबकि दूसरी तरफ हम लोग देखें तो हमारे पास हाई माउंटेन रेंज नज़र आती है, ठीक है। फ्रॉम इट्स अदर नेबर्स दी निरेक्टिक, अगर हम लोग इसकी बात करें निरेक्टिक की, तो ये कट ऑफ है सी के साथ, ये किससे कट ऑफ है, सी के साथ है। जो इसकी क्लाइमेट की अगर बात करें, पैलारेक्टिक जो है सेपरेट हुआ है इथोपियन से सहारा डेजर्ट की मदद से, ठीक है, और पैलारेक्टिक और ओरिएंटल के दरमियान हिमालयास है, जबकि अगर हम लोग निरेक्टिक की बात करें तो इन दोनों के दरमियान आपस में कट ऑफ हुए हैं सी से। क्लियर है ये चीज़। अब अगर हम लोग नेक्स्ट इसके क्लाइमेट की बात करें, इसके क्लाइमेट के हवाले से, तो जो क्लाइमेट है ना इसका वो मोर इन लेस टेम्परेट है। क्लाइमेट इज मोर और लेस टेम्परेट है। कैसा इसके अंदर क्लाइमेट पाया जाता है, टेम्परेट पाया जाता है। अच्छा, ये जो रीजन है ना इसमें दोनों को दोनों वेट फॉरेस्ट लैंड और ड्राई ओपन स्टेप लैंड जो है ना इंक्लूडेड है, और इसके साथ साथ यहाँ पर जबरदस्त किस्म के ना कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं। क्या क्या फ्लक्चुएशंस हैं इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये बात की कि ये इसका कौन सा क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट है। इसके हवाले से अगर देखें तो इसके अंदर पास है दोनों के दोनों वेट फॉरेस्ट लैंड है, वेट फॉरेस्ट लैंड है, इसके साथ साथ जी ड्राई ओपन स्टेप लैंड है, ड्राई ओपन स्टेप लैंड है, और साथ साथ यहाँ पे जो है ना वो कॉन्फ्रेंस बहुत बड़े बड़े जो है ना कॉनिफेरियस फॉरेस्ट भी आए जाती हैं। इसकी जो टेम्परेचर में ना वाइड रेंज जो है ना वो फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर फ्लक्चुएशन की रेनफॉल में भी आती है। इसके हम लोग बात करने लगे हैं इसके क्लाइमेट के हवाले से, तो टेम्परेचर में भी क्या जाती है, तब्दीलियाँ जाती है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर और इसके साथ साथ जी ग्रेटर फ्लक्चुएशंस है रेनफॉल में भी, रेनफॉल में भी क्या आ जाती है, बहुत सी यानी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, ग्रेटर फ्लक्चुएशंस, ग्रेटर फ्लक्चुएशन रेनफॉल, और साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेटर डाइवर्सिटी पाई जाती है सरफेस फीचर्स की, जो के जो पैलारेक्टिक रीजन को रिप्रेजेंट करती है। सरफेस फीचर्स की क्या है, ग्रेटर डाइवर्सिटी है, ग्रेटर डाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है, सरफेस फीचर्स में, सरफेस फीचर्स यानी कि इससे मुराद ये है कि कहीं भी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड नज़र आ रही है, कहीं पे ओपन ड्राई ओपन स्टेप लैंड है, और कहीं पे कॉन्फ्रेंस फॉरेस्ट पाए जा रहे हैं। इसके अलावा टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली है, तो ये किस क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास टेम्परेट क्लाइमेट को रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हम इसके जू जियो जोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि जोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से जो है ना वो पैलारेक्टिक रीजन में पाए जाते हैं। जिकल करैक्टरिस्टिक्स, ट्रेस्टिक्स। अब जो 28 फैमिलीज है ना वो लैंड मैमल्स की इसमें जो है ना वो शामिल होती हैं, स्वाय
बहुत ज्यादा बैड फैमिलीज को निकाल के, जो चमगादड़ की फैमिलीज है ना उनको निकाल के 28 फैमिलीज जो है ना लैंड मैमल की इसमें पाई जाती हैं। कितनी फैमिलीज पाई जाती हैं? 28 फैमिलीज इसकी, लैंड मैमल्स की। नेक्स्ट अगर हम इसके हवाले से बात करें तो ये जो रीजन है ना इसके अंदर बड़े बड़े हम लोग को मैमल्स ही नजर आते हैं, ठीक है। इसके अंदर मोल्स नजर आएंगे, शीव्स, रैबिट्स, हेडगीहॉग्स, क्रूल्स, पार्क्यूपाइन, ठीक है। इस तरह के जो स्मॉल साइज के जो है ना मैमल्स, वो हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। मैंने कितनी स्पीशीज के नाम बताए हैं इसमें, कितनी फैमिलीज इंक्लूडेड है मैमल्स की? मैमल्स के हवाले से बात करें तो 28 फैमिलीज हैं, 28 फैमिलीज। और इन 28 फैमिलीज में हम लोगों ने जो है ना वो बैड की फैमिलीज को एक्सक्लूड किया हुआ है, एक्सक्लूडिंग बैड फैमिलीज। इसको एक्सक्लूड किया हुआ है हमने, बैड फैमिलीज को एक्सक्लूड किया हुआ है। अब इसके पास जो है ना कोई भी जो लार्ज जो है ना साइज मैमल्स नहीं है, लार्ज साइज मैमल्स एब्सेंट एब्सेंट। इसके अंदर हम लोग को जो नजर आएंगी वो हमारे पास मोल्स हो सकती हैं, ठीक है, शीप्स हैं, रैबिट्स हैं, हेडगीहॉग, स्क्रूल्स, पार्क्यूपाइन है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, ठीक है। अब दो ऐसी फैमिलीज हैं मैमल्स की जो कि बहुत ही यूनिक हैं पैलारेक्टिक रीजन में। टू फैमिलीज ऑफ मैमल्स आर यूनिक, इन अदर वर्ड्स हम लोग ये कह रहे हैं कि यूनिक फैमिलीज जो है ना मैमल्स की कौन सी हैं? यूनिक मैमल फैमिलीज इन रीजन, इन पैलारेक्टिक रीजन। यूनिक फैमिलीज जो है वो मैमल्स की आ जाती हैं हमारे पास स्टेलिसीडिया और दूसरी है सेल्यूनीडिया। एक है जी हमारे पास स्टेलिसीडिया एंड द सेकंड इज द सेल्यूनीडिया। दूसरी कौन सी है? सेल्यूनीडिया। अब ये दोनों के दोनों जो फैमिलीज हैं ना वो एक एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। अगर हम लोग स्पेलेनिसीडिया की बात करें ना तो इसने एक जीनस को रिप्रेजेंट किया हुआ जिसका नाम है स्पेलेक्स। स्पेलेक्स जो है ना ये ब्राउनिश येलविंग ब्यूरिंग रैट है जिसके पास कोई भी टेल नहीं मौजूद, जिसके पास कोई भी टेल नहीं मौजूद। जबकि हम लोग सेल्यूनीडिया फैमिली की बात करें तो इसने एक जीनस को रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसका नाम है सेल्यूनिया। ये रिमार्केबल है क्योंकि इसकी जो डिस्कवरी है ना वो 1938 में कागस्तान में हुई है, क्लियर है। ये ऐसी दो फैमिलीज हैं जो कि मैमल्स की सिर्फ यूनिक हैं किस रीजन में? पैलारेक्टिक रीजन में। उसके बाद हम लोग अगर बर्ड्स के हवाले से बात करें कि कौन कौन से बर्ड्स जो है ना वो पैलारेक्टिक रीजन में पाए जाते हैं तो वो हम लोग जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, बर्ड्स इन पैलारेक्टिक रीजन। इसमें हॉक्स आ जाता है, स्टॉर्क, क्यूकीज, किंग फिशर्स, स्विफ्ट, स्वेलोज, थ्रशिज, ब्लैक बर्ड्स, फिंचिज, ग्रीब्स और लॉन्स वगैरह बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर कोई भी पैरेट नहीं है, क्यों? इसकी एग्जांपल मैंने दी आपको हॉक है, ठीक है, डक्स, स्टॉर्क, क्यूकोज, किंगफिशर्स, ठीक है। लेकिन मैं इसमें कह रही हूँ कि नो पैरट, कोई भी पैरट नहीं मौजूद, नो पैरट्स। इसके अलावा भी और बहुत ज़्यादा बर्ड्स जो है वो पाए जाते हैं।
सिर्फ और सिर्फ जो फैमिली डिस्ट्रक्टेड है ना इस रीजन में, उसको हम लोग हेडगी होग स्पैरो फैमिली कहते हैं। कौन सी फैमिली इसमें डिस्ट्रक्टेड है? हेडगी होग स्पैरो फैमिली। नेक्स्ट है जी रेप्टेलियन फाना की बात करते हैं कि रेप्टेलियन फाना जो है ना वो कौन सा जो है ना पैलियोआर्कटिक रीजन में पाया जाता है? रेप्टाइल्स, रेप्टेलियन फाना। इसमें टर्टल्स आ जाते हैं, टोर्टोराइज आ जाती हैं, कुछ लेजर्स हैं, स्नेक्स हैं, ठीक है, और एलिगेटर पाए जाते हैं चाइना में। लेकिन कोई भी खास स्पेसिफिक जो रिप्टेलियन फैमिली है ना वो इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। इसमें क्या आ जाते हैं जी? टर्टल, टोर्टोराइज, टोर्टोराइज, कुछ लेजर्स हैं, फ्यू लेजर्स, स्नेक्स हैं और एलिगेटर पाया जाता है चाइना के अंदर। एलिगेटर कहाँ पाया जाता है? चाइना में। नो फैमिली, कोई भी फैमिली जो है ना, जैसे हम लोगों ने हेडगेहॉग स्पैरो फैमिली की बात की थी इन द केस ऑफ बर्ड्स, तो रेप्टेलियन फैना में कोई भी फैमिली नहीं है जो कि स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करे पैलियोआर्कटिक रीजन को। पैलियोआर्कटिक इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके पास जो है ना टेल्ड एम्फीबियंस है। इसके पास क्या है? टेल्ड एम्फीबियन है, एम्फीबियन फाना। इस फाना की हम लोग बात कर रही हैं, एम्फीबियन फाना की, फाना ऑफ पैलियोआर्कटिक रीजन। तो इसके अंदर पास क्या है? जिसके पास टेल्ड एम्फीबियंस है। कौन से एम्फीबियंस पाए जाते हैं? टेल्ड एम्फीबियंस। अब नेक्स्ट है जी, इसमें टेल्ड एम्फीबियंस की एग्जांपल आ जाती है नीवर्स और सेलामेंडर्स। कौन से इसमें पाए जाते हैं एम्फीबियंस? टेल्ड एम्फीबियंस। और इसकी एग्जांपल क्या है जी? हमारे पास नेवर्स है और सलामैंडर्स है। ये जो टार्लेस एम्फीबियंस है ना, जिससे कि कॉमन टोर्स और फ्रॉग्स, वो भी बहुत तादाद में जो है ना वो हम लोगों को नजर आते हैं, वहाँ पे स्टडी करने को मिलते हैं। कुछ ट्री फ्रॉग्स भी हैं जो कि इस फैमिली में इंक्लूडेड हैं। टार्लेस एम्फीबियंस की मैंने कौन सी एग्जाम्पल दी है आपको? नेवर्स और सलामैंडर। जबकि अगर हम लोग किसकी बात करें टार्लेस एम्फीबियन के हवाले से, टेलेस एम्फीबियन, तो इसमें आ जाता है कॉमन टॉड्स और फ्रॉग्स। कॉमन टॉड्स आ जाते हैं और फ्रॉग्स भी बहुत ज्यादा जो है ना वो हम लोगों को वाइड सेपरेट नजर आते हैं। अगर हम लोग ट्री फ्रॉग के हवाले से बात करें, किसके हवाले से? ट्री फ्रॉग्स के हवाले से, तो हाइलेट और पॉली पेप्टेडेड फैमिलीज जो है ना वो इंक्लूडेड है। कौन सी फैमिलीज इंक्लूडेड है? हाइलेट और पॉली पेप्टेडेड फैमिलीज। क्लियर है? ये था बेसिकली जो है ना, अगर हम लोग बात करें पैलियोआर्कटिक की, उस पर कौन कौन सा जो है ना जियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं और साथ साथ जो है ना इसके अंदर बर्ड्स और रेप्टिलियन कौन कौन से हैं।